इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय वाराणसी दौरा शुरू होने जा रहा है। देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी और कल 14,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का उनका कार्यक्रम है। कल खरगयाव क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 36 परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। गोवर्धन स्थित मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र खरगयाव में करेंगे उद्घाटन और दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी की अगवानी करेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की फिजा से पहले पीएम मोदी आज से दो दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे। दो दिन के दौरे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर विकास की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। पीएम मोदी संत शिरोमणि रविदास के गोवर्धन स्थित मंदिर में मत्था टेकेंगे। उसके बाद पीएम संत निरंजन दास से मुलाकात करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम BHEL के एडवांस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 10,972 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 3,344 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। पीएम के कार्यक्रम की थीम पूर्वांचल के विकास में सहकार का प्रयास है, यानी वाराणसी के जरिए पीएम मोदी यूपी बिहार की 120 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा खास है क्योंकि अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी यूपी में है और कल ही SP कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। ऐसे में पीएम जनसभा के जरिए पलटवार कर सकते हैं।